बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिशावर की मशहूर कढ़ाई की रेसिपी। ये हम चिकन में बना रहे हैं, आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं। चले तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए, इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने छन्नी में रख दिया ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आधी चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच ही नमक लिया है मैंने और आधी चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये लिए हैं मैंने मसाले, ये मैंने ड्राई रोस्ट करा है इसको, काली मिर्चें ली हैं मैंने, धनिया पाउडर लिया है, दखनी मिर्च ली है इसको भी मैंने आधा चम्मच पीस लिया है, और मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, इसको आप पीस लें, ये एंड में डलेगा बिल्कुल। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। चले तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पतीले में मैंने 1 कप तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लें आप। मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, चिकन का हमें कलर चेंज करना है खाली, बहुत ज़्यादा भूननी नहीं है इसको हमने अभी, बस इसका कलर चेंज करना है हम। जब तक इसका कलर चेंज हो रहा है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ हमें तकरीबन 5 मिनट इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का और अच्छी से खुशबू आने लगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये भुन चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जो मसाले हैं हमारे ये मैंने ऐड कर दिए इसमें। बस थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे और फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी साथ में। ये देखें मैंने टमाटर का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर पका कर बस इसको मैं ढक के रख दूंगी जब तक चिकन गल जाए। तकरीबन 15 मिनट पकाना है मुझे इसको, फिर उसके बाद हम इसको भूनेंगे। ढक के मैं इसको पकाऊंगी 15 मिनट तक। ये बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट बन जाती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से हमें भूनना है थोड़ी सी तेज़ आँच पे। ये देखें पानी इसका तकरीबन आधा ड्राई हो चुका है। अब हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा दरमियाने आंच पे इसको भूनेंगे, हम पानी इसका खुश करेंगे हम बिल्कुल। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ढाबे पे तो बहुत ही मशहूर है ये, ढाबा स्टाइल बन रही है ये, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, मैंने 4-5 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है इसका। अब मैं इसमें जो मसाले मैंने भून के रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें सूखी मेथी डालूंगी, कसूरी मेथी, वो मैंने पानी में भिगो दी है, वो डाल दूंगी मैं थोड़ी सी इसमें। ये देखें मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे, वो मेथी भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। बस इसको हम दम पे लगाएंगे फिर। ये देखें मेथी मैंने ऐड कर दी है, इसको आप भिगो के डालिएगा वरना इसमें बहुत किरकिराहट होती है। बस अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है ये देखें माशाल्लाह से, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। ये जायके में भी इतनी ही मज़े की बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ या आप शीरमाल के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।